नालों वत चीज कीमती दस केड़ी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजू दीदी के बारे में। राजू दीदी को कौन नहीं जानता जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और लोग राजू दीदी को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये वही राजू दीदी हैं लोग जिनका मजाक उड़ाते थे और जाने क्या क्या कहते थे इनके बारे में, और आज लोग राजू दीदी से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। दोस्तों कब किसकी जिंदगी कैसे बदल जाए, इसलिए किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबको एक समान समझना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे राजू दीदी की जिंदगी कैसे बदल गई और साथ ही जानेंगे इनकी लाइफ की पूरी कहानी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सायरा, कैसे हैं आप लोग, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओए, कभी याद नहीं आती मेरी। दोस्तों राजू दीदी को कौन नहीं जानता, सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे राजू दीदी की वीडियोस तेजी से वायरल हो रही हैं और लोग राजू दीदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। राजू का फुल नेम राजविंदर गौर है। चंडीगढ़ पंजाब के एक छोटे से गांव तारा में इनका जन्म हुआ और ये सोशल मीडिया पर राजू दीदी के नाम से फेमस हो रही है। शर्मा गई का फोन फाटी, मम्मी आ गई का। दोस्तों राजू दीदी की शादी हो चुकी है और इनके 3 बच्चे भी हैं। राजू दीदी और उनके हस्बैंड के बीच प्रॉब्लम्स होने की वजह से राजू दीदी अपने माँ के घर ही रहती हैं। राजू दीदी अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी अकेले ही उठाती हैं। वैसे आपने राजू दीदी की वीडियोस देखी होंगी, वो पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं और ये सब उनके फैंस की वजह से है, क्योंकि उनके फैंस उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। सच्ची गल है, मेनू सच्चा प्यार होया है, तेनू पता मैं। राजू दीदी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं, इसलिए उनकी माँ परनास के यहाँ काम करने जाती थी। माँ की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी जगह राजू दीदी काम करने जाने लगी और फिर राजू दीदी की लाइफ में हुई परनास की एंट्री। मेरी राहें तेरे तक है। दोस्तों परनास पहले से ही टिकटॉक पर वीडियोस बनाते थे। वो अपनी बहन के साथ वीडियोस क्रिएट करते थे, लेकिन उनकी वीडियोस पे ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आता था। और जब परनास ने राजू दीदी को देखा तो सोचा क्यों ना उनके साथ वीडियो बनाया जाए, और परनास ने एक वीडियो राजू दीदी के साथ बनाकर टिकटॉक पर अपलोड कर दिया और वही वीडियो टिकटॉक पर रातों रात वायरल हो गया और परनास रातों रात स्टार बन गए। और फिर इसके बाद राजू और परनास दोनों टिकटॉक पर वीडियोस बनाने लगे। इसके बाद परनास के टिकटॉक पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे और लोग इनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे, और फिर इनके फैंस इनके रिश्ते को लेके बहुत कंफ्यूज होने लगे थे। एक दिन परनास ने लाइव पे आके बताया कि राजू दीदी को वो अपनी बड़ी बहन मानते हैं, इसीलिए वो राजू को हमेशा राजू दीदी बोलते हैं। तेरे नालों वत चीज कीमती दस के। बात कर लेते हैं राजू दीदी की सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग के बारे में। तो राजू दीदी परनास के साथ ही वीडियोस बनाती हैं। परनास की इंस्टाग्राम आईडी परनास रंधावा के नाम से है और इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 326 के फॉलोअर्स हो चुके हैं। परनास का खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है परनास रंधावा के नाम से, और इनके यूट्यूब पर 124 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। परनास ने 7 जून 2021 को राजू दीदी की इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट की और इनकी इंस्टाग्राम आईडी राजू दीदी काजोल के नाम से है, जिस पर 35.4 के फॉलोअर्स हो चुके हैं। तेरे नालों वत चीज कीमती दस केड़ी कोल। तो बात कर लेते हैं राजू दीदी की फेवरेट थिंग्स और हॉबीज के बारे में। तो इन्हें ट्रैवलिंग करना, वीडियोस बनाना और मेकअप करना बहुत पसंद है। राजू दीदी की फेवरेट एक्टर काजोल हैं। बात करें राजू दीदी के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, तो इनकी हाइट 5 इंच है, बॉडी वेट 45 अप्रॉक्स है, आई और हेयर कलर ब्लैक है। मेरी राहें तेरे तक है। दोस्तों राजू दीदी आपको कैसी लगती हैं? वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ। ओए, कभी याद नहीं आती मेरी। क्या बेबसी।
कौन है तू?